हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आप सबका। आज एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने मैं और शुभम मैम आपके साथ जुड़े हुए हैं। जैसा कि आपको पता है कि फरवरी 2023 में 2023 और 24 वित्तीय वर्ष के लिए बजट प्रस्तुत किया गया, और आपको जानकारी होगी कि बजट में पारित या हम कहें कि उनके प्रावधानों को अप्रैल 2023 से लागू करने की बात कही जा रही है। कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हुए और उन बदलावों को लागू करने के लिए 1 अप्रैल 2023 से सरकार जुड़ी हुई। मैम से आज जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कि क्या कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन है जिसको सरकार इस वित्तीय वर्ष में लागू करने जा रही है। जैसे टैक्स स्लैब को लेकर क्या परिवर्तन हुआ, कुछ योजनाएं हैं जिन योजनाओं को लेकर क्या परिवर्तन हुआ, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि जैसे कुछ चीजों पर, कुछ ऐसी वस्तुएं जिन पर प्राइसेस को बढ़ाया जा रहा है, घटाया तो नहीं कह सकते मैम क्योंकि घटाने की बात तो कहीं नहीं दिखी है। चलिए एक पॉइंट वाइज शुरू करते हैं मैम। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि दवाइयों पर, क्योंकि मूलभूत आवश्यकता है दवाइयों पर, क्या परिवर्तन दवाइयों पर दिखाई दे रहा है सर। इस बारी अगर मैं पहले स्टार्ट करूं तो आपको पता है कि महीना ही नहीं बदल रहा, आप लोगों का फाइनेंशियल ईयर जो है वो भी बदल रहा है 2023 और 24 का। बाकी जो सर ने सवाल करा कि दवाओं पे क्या फर्क और क्या इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा, वो ये है कि आप लोगों को पता है कि जो एंटीबायोटिक्स होती हैं या फिर जो पेन किलर्स होती हैं, हर्ट की जो दवाइयां हैं, सबसे ज्यादा हृदय रोग आप लोगों को देखने के लिए मिलता है आज के टाइम पर, यंगस्टर्स में इवन। तो इसकी जो दवाइयां हैं वो काफी महंगी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इसके जो स्लैब पे फर्क पड़ा है करीबन 12% का फर्क जो है वो देखने के लिए मिला है सर। ओके, तो इसका मतलब ये है जैसे हार्ट से संबंधित जो दवाइयां थी उन पर थोड़ा सा दवाइयों का दाम बढ़ा है। तो एक तो ये जनता के ऊपर एक कहते हैं ना कुठाराघात है। दूसरी बात अगर हम कहें कि जैसे दवाइयों की बात चली रही थी, तो ये है कि अभी हार्ट के केसेस काफी हाल फिलहाल में पड़े हैं, हार्ट अटैक लगातार बढ़े, तो दवाइयों का दाम बढ़ना एक कहीं ना कहीं जनता के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैम इसमें देखें तो प्रश्न कैसे बन सकता है हमारे विद्यार्थियों, एक ऐसा बन सकता है कि हाल ही में बिल रिपोर्ट जारी करी गई है जो कि आप लोगों की राइट टू हेल्थ है, राजस्थान गवर्नमेंट ने इसको पेश करा, और ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है। जैसे कि हम लोग एडमिशन लेते हैं स्कूल्स के अंदर, ऐसे ही आप लोग क्या करते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं अपने पेशेंट को लेके, लंबी लंबी लाइंस के अंदर जो है वो लग जाते हैं। बट इसमें क्या है कि इसमें आपका ट्रीटमेंट जो है पहले ही हो जाएगा, यानी कि आपको पेमेंट बाद में करनी है। इवन अगर आप एबल नहीं है पेमेंट करने के, तो गवर्नमेंट जो है वो पे करेगी आपका बिल। एक ये, और यहीं पे मैम आपको एक छोटी सी चीज आपके पॉइंट में जोड़ना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने भी ये काम किया है कि कैशलेस, अपने राज्य के कर्मचारियों के लिए कैशलेस स्कीम डाली है कि अगर वो इलाज कराते हैं तो कैशलेस कर सकते हो। राजस्थान वाला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पहला ऐसा स्टेट बना है राजस्थान जिसने राइट टू हेल्थ ये ऐसा विधेयक पारित किया। और सर मैं एक और बता दूं, अभी आज की ही करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिजिटल मोदी जी अपने भारत को बनाना चाहते हैं, उसी के तहत हेल्थ की अगर हम बात करते हैं तो आयुष्मान भारत के स्कीम के अंदर ही स्कैन एंड सर्विस पे जो है वो लॉन्च कर दी गई है, जिससे पेशेंट का पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन जो है वो पहले ही कर सकते हैं। वही वाली बात है कि टाइम सेव होगा, आपको बेड जो है वो टाइम पर मिल जाएगा, मेडिसिन जो है वो टाइम पे मिल जाएगी, ट्रीटमेंट आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, यानी कि हेल्थ के क्षेत्र में अपना भारत जो है वो काफी आगे तरक्की करेगा, डिजिटलाइजेशन तकनीकी की आएगी इसमें। मैम एक चीज थी, हाँ जी, ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए देखा गया कि जैसे BS6 का फेज 2 लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, इस पर भी होगा बजट में कि कुछ ऑटोमोबाइल के सेक्टर में कि प्राइसेस बढ़ेंगे कुछ, जैसे गाड़ियों के 4-व्हीलर हैं 2-व्हीलर हैं उसमें क्या परिवर्तन। हाँ सर, अब अगर हम बात करते हैं इस पॉइंट को लेकर, तो 20,000 से लेकर 30,000 जितने व्हीकल्स जो हैं, यानी कि अमाउंट जो है उसका बढ़ जाएगा, और 2-व्हीलर पे ज्यादा इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा। अब कुछ नहीं होता तो हम क्या उठाते हैं, अपना 2-व्हीलर उठाते हैं कि ट्रैफिक में ना फंसे, तो इससे काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। बाकी अगर हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि इलेक्ट्रिफिकेशन के अंदर भारत जो है वो सबसे आगे कार्य जो है वे कर रहा है, अपने कदम जो है वो बढ़ा रहा है, हरियाणा की अपडेट देख लेते हैं, 100% रेलवे को इलेक्ट्रिफाइड कर दिया है, यानी कि अब जो चीजें चलेंगी वो पूरी की पूरी बिजली से चलेंगी। बाकी सर आपको पता है श्रीलंका और बांग्लादेश का भी कि भारत जो है वो डबल डेकर बसेस इलेक्ट्रिफाइड वो प्रोवाइड कर रहा है श्रीलंका और बांग्लादेश को, यानी कि फाइनेंशियल हेल्प समझ लीजिए, या फिर आप ये समझ लीजिए कि एक पहल जो भारत अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ कर रहा है।
एक चीज तो है कि ये जैसे अगर हम BS6 की बात करते हैं फेज टू लॉन्च करने की, तो कहीं ना कहीं सरकार ने प्रदूषण पॉल्यूशन को कम करने के लिए उन मानकों को अपनाया है जिन मानकों के माध्यम से प्रदूषण कम किया जा सके, जी सर, बिल्कुल कह सकते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैम कि जब भी बजट आता है तो बजट में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो हर एक आम नागरिक से लेकर बड़े से बड़े बिजनेसमैन वो देखना चाहते हैं, टैक्स स्लैब में क्या परिवर्तन हुआ। टैक्स स्लैब वही सर, अब पहले बात करें तो 5 लाख जितने वालों को जो टैक्स था वो देना होता था, बट अब क्या कर दिया है न्यू, अगर हम इसकी तरफ चलते हैं तो 7 लाख इसका जो टैक्स है यानी कि स्लैब को बढ़ा दिया गया। अब अगर हम बात करते हैं ऑन एन एवरेज, अगर 50,000 से या फिर 50,000 जितनी सैलरी किसी व्यक्ति की है, किसी की आमदनी है, तो उसकी ऑन एन एवरेज और सालाना जो एनुअल इनकम निकलती है वो 7.5, यानी कि अब जो 7.5 लाख वाले पर्सन है वो टैक्स फ्री हो जाएंगे। तो मैम ये जानना चाह रहा था मैं कि जो टैक्स देना पड़ता है स्पेशली डायरेक्ट टैक्स की अगर बात करते हैं जो इनकम टैक्स होता है, इनकम टैक्स पे क्या प्रावधान है, क्या प्रोविजन है इस बार इनकम टैक्स? तो अगर आप स्लैब की बात कर रहे हो सर, तो 0 से लेकर 3 लाख तक अगर कोई इनकम है किसी व्यक्ति की सालाना, तो उसको कोई टैक्स जो है वो पे नहीं करना है। ये अच्छी भी बात है कि भाई अगर एक व्यक्ति की आमदनी ही इतनी है तो वो टैक्स अगर दे देगा तो वो रखेगा क्या, वो बचाएगा? इसे हम कह सकते हैं कि एक प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसी है कि हाँ कि अगर कोई जिसके पास कम है पैसे वो ना दे और जिसके पास ज्यादा, तो उसके आगे क्या है मैम? फिर 3 से अगर हम 6 लाख की तरफ चलते हैं, इस स्लैब पे चलते हैं, तो 5% जो टैक्स है वो देना पड़ेगा प्रति, मतलब जिस व्यक्ति की भी आय इतनी, बस व्यक्ति की भी आमदनी इतनी है। बाकी अगर हम चलते हैं 6 से लेकर 9 लाख के स्लैब की तरफ, तो उन्हें 10% जितना जो टैक्स है वो पे करना पड़ेगा। और ये सही भी है सर कि अगर आपको गवर्नमेंट इतनी सुविधाएं दे रही है तो इसके साथ साथ आप कुछ टैक्स भी गवर्नमेंट को अदा करें, बिल्कुल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए तो ये जरूरी होता है। बाकी इसके ऊपर आ जाता है 9 to 12 लाख का प्रावधान, इसके अंदर आप लोगों को 15% टैक्स जो है वे पे करना पड़ेगा। बाकी ये अपडेट आप लोगों को पहले भी मिली थी जब आप लोगों का बजट जो है वो पेश किया गया था, ये टैक्स स्लैब्स आप लोगों को पहले भी डिस्कस जो है वो करे गए। मैंने कहा ना कि सबसे ज्यादा इसे डिस्कस करते हैं हम लोग, तो 15 के ऊपर का है तो उनको 30% जितना टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा। ये हमारे पूरे टैक्स स्लैब का क्या है फ्रेम जो है वह हो जाता है, जो कि हम लोगों को और सिटीजन्स को जो है वो पे करना है। यहाँ पर मैं मैम ये बच्चों को बताना चाहूंगा कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं इस बार, क्योंकि बहुत बड़ा परिवर्तन है, इससे पहले परिवर्तन नहीं था, पहले आई थिंक 5 लाख तक छूट थी, इस बार ये बड़ा चेंज हुआ है। तो मैं तो ये कहूंगा कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने टैक्स के माध्यम से जो होती है ना, जिसको कहते हैं टैक्सेबल इनकम को बढ़ाने का गवर्नमेंट ने प्रयास किया है, जिससे कि हमारे यहाँ जो हम लोग कल्याणकारी कार्य होते हैं उसको और ज्यादा उसमें तेजी आ सके, हॉस्पिटल स्कूल इसको बढ़ाने का या बनाने का कार्य कर सके। सर बाकी अगर हम अदर योजनाओं की बात करते हैं, जैसे कि व्यय वंदना योजना है उसको बंद किया जा रहा है, इसके पीछे क्या लॉजिक है सर थोड़ा सा? देखिए मैं तो ये कहूंगा कि अपनी राजस्व व्यय को गवर्नमेंट इस समय पर कंट्रोल करना चाह रही है, क्योंकि अभी जैसा आपने देखा होगा महामारी का दौर रहा, और महामारी के दौर में सरकारों का ये काम होता है कि वो अपने खर्चों में कटौती करती है, लेकिन ऐसा नहीं कि सैक्रिफाई करें अपने नागरिकों को। तो उन्होंने पहले देखा कि हमारे यहाँ अटल पेंशन योजना है, NPS के तहत नेशनल पेंशन स्कीम पहले से ऑलरेडी चली आ रही है, तो उन योजनाओं को जारी रखते हुए अभी इस योजना उस पर फोकस करना है, इस योजना को अभी बंद किया। हाँ एक और महत्वपूर्ण चीज मैम कि जैसे नारियों के लिए महिला सम्मान स्कीम के तहत इस बजट में इसकी चर्चा हुई, और खासकर विमेन फ्लिपमेंट के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए देखे तो बड़ा महत्वपूर्ण कदम है, इसको आप कैसे देख रहे हो? सर इसके अंदर बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर आप सेविंग करते हो तो आपको इंटरेस्ट जो है वो मिलता ही मिलता है। बाकी महिलाओं की यहाँ बात करते हैं कि अगर 2 लाख रुपए 2 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगी तो उनको 7.5% का इंटरेस्ट रेट जो है वो मिलेगा। हालांकि अगर मैं बात करूं इसको और एक्सप्लेन करते हुए, 2 लाख रुपए 2 साल के लिए तो 32,000 रुपए का महिलाओं को इंटरेस्ट रेट जो है वो मिलेगा अपनी गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये काफी अच्छी पहल जो है वो है कि अगर हमेशा हम देखते हैं महिलाएं जो घर की होती हैं वो हमेशा सेव ही करती हैं, कि आगे जाके वो काम आए, तो ये तो और बढ़िया बात है। मैम एक और चीज, होलमार्क को लेके बातचीत हो रही थी कि इस बार होलमार्क में कोई परिवर्तन हुआ, होलमार्क में परिवर्तन किस तरह का है बजट में? सर पहले 4 अंकों का होता था, आपको पता है होलमार्क जैसे कि बताता है कि जो चीज है वो पूरी की पूरी वेरीफाइड है, अगर गोल्ड आप लेने जाते थे। जी जी। बाकी अब इसके अंदर क्या कर दिया परिवर्तन की 6 अंकों का अल्फा न्यूमरिक नंबर जो है वो चलेगा। ओके, मतलब सिक्योरिटी एक तरीके की, और हर एक का एक यूनिक नंबर जो है वो होगा, जैसे कि हमारा आधार कार्ड का पैन कार्ड का एक यूनिक नंबर होता है, एग्जैक्टली वैसे आपका होलमार्क का नंबर है वो भी यूनिक होगा। और सोना
जो महिलाओं को काफी ज्यादा पसंद होता है, उसके ऊपर एक टाइट जो सिक्योरिटी हम कह सकते हैं वो भी लगा दी गई। हाँ, यही एक फैक्ट बताता हूँ बच्चों को कि इस समय वर्तमान अर्थात 2023 में अगर देखें तो कंज्यूमर जो है सबसे बड़ा बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड चाइना है। सर वैसे अपने भारत की अच्छा, बात करें तो इंडिया के अंदर पाई गई है खदानें, यहाँ पे खदानें और इस समय कंज्यूमर, और हम इंडिया की बात करें सेकंड नंबर के हम कंज्यूमर हैं। कुछ महत्वपूर्ण सवाल बच्चों आप लोगों के लिए छोड़ के जाता हूँ, जैसे संवैधानिक प्रावधान क्या है, किस आर्टिकल में इसकी जिक्र किया जाता है बजट का, दूसरा बजट पेश पहली बार कब किया गया था, तीसरी बात बजट को पेश करने के लिए पहला जो हमारे यहाँ वित्त मंत्री था वो कौन था, और सबसे लास्ट में कि रेलवे बजट और आम बजट को अलग कब किया गया था। ये चार महत्वपूर्ण सवाल है, जरूर आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप लोगों को पता है जैसे कि कुछ क्वेश्चन सर ने पूछे तो कुछ क्वेश्चन मैं भी पूछ देती हूँ कि आपको पता है ये पेपरलेस बजट था, तो ये कौन से नंबर का पेपरलेस बजट था जो कि निर्मला सीतारमण ने पेश करा है इस बारी। बाकी गोल्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था तो हमने आपको बताया उड़ीसा के अंदर आप लोगों को खदानें देखने के लिए मिली है तीन जगहों पर। एक और क्वेश्चन आप सभी के लिए कि लिथियम के भंडार अभी हाल ही में भारत में कहां पे पाए गए हैं, जो कि एक ग्रीन एनर्जी बनाने के लिए, और ग्रीन एनर्जी का एक पॉइंट भी हमारे बजट के अंदर इस बारी के तो काफी ज्यादा हेल्पफुल है और हम इस तरफ ही आगे जो है वो बढ़ रहे हैं। बाकी आप सभी जुड़े रहिए हमारे साथ। एक और महत्वपूर्ण बात जो लंबे समय से विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि हम लोग सबसे ज्यादा जरूरी हमारे लिए यही है, मैम क्या लगता है इस बार एसएससी के लिए जैसे कि वैकेंसी वगैरह को लेकर, क्योंकि बहुत ज्यादा इम्बैलेंस रहा अब तक पिछले कुछ समय से, क्या है इस बार खास बच्चों सर, के लिए? बिल्कुल, जैसे आप देख रहे हो अभी कैलेंडर भी पेश करे गए हैं, नई वैकेंसीज जो है वो बहुत सारी वैकेंसीज जो है आप लोगों के लिए आ ही रही है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की बात कर लो, एसएससी के, चाहे एमटीएस की बात कर लो, जीडी की बात कर लो, जिसमें बहुत सारा बच्चा केवल 10वीं करके ही सरकारी नौकरी की तरफ उतरता है, तो इसमें तो एक बम्पर वैकेंसी भी आप लोगों के लिए देखने के लिए मिल रही है। बाकी आप परीक्षा के लिए हमेशा तैयार रहे, जुड़े रहिए हमारे साथ, और आप लोगों को हमेशा ऐसे ही गाइड करते रहेंगे हम लोग। और सर आप कुछ बताएंगे स्टूडेंट? बिल्कुल, अगर अपनी तैयारी को आप ऐसे ही हमारे साथ जारी रखना चाहते हैं तो सस्ते अभिनय मैच चैनल है, जरूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ ऐसी सूचनाएं हम और मैम आपके लिए लेकर आते रहेंगे, जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। सफलता कभी अंतिम नहीं होती और असफलता कभी घातक मायने रखता है, वो है साहस। इसका मतलब था कि अगर हम सफल हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी में सब कुछ मिलेगा।